नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था भारत में जल परिवहन, और जल परिवहन में हमने भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत के आंतरिक जल परिवहन स्रोतों को पढ़ लिया था। सामान्य सी बात कि भारत के जो प्रमुख 12 बंदरगाह हैं, 12 बंदरगाहों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसी में एक जो प्रोजेक्ट है वो है सागर माला प्रोजेक्ट या सागर माला परियोजना। हालांकि आपके कोर्स में ये परियोजना नहीं है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट परियोजना है। सागर माला परियोजना क्या है, जो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो एरिया है ये 6,100 किलोमीटर का है, और द्वीप की बात करें तो ये मिला के 7,516.6 किलोमीटर का हो जाता है। सागरमाला प्रोजेक्ट बोलता है कि ये हमारे जो भी बंदरगाह है, 12 तो स्मार्ट सिटी है ये बंदरगाह, बाकी लगभग 200 छोटे छोटे हैं, तो जितने बंदरगाह है वहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक क्रिया को बढ़ावा देना। अगर हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं उन प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल बाजार यहाँ पे बना देते हैं, तो ये जो प्रदेश है वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आजीविका में वृद्धि करेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा। और सामान्य सी बात है कि इनका आर्थिक विकास होगा तो देश के जीडीपी में भी लगभग बढ़ोतरी होगी, और अनुमान लगाया जाता है कि देश की जीडीपी में लगभग 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके माध्यम से जो हमारे तटवर्ती प्रदेश है उनके विकास के लिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके जो उत्पाद है उनको बढ़ावा देने वाली ये योजना है। कौन सी, सागरमाला प्रोजेक्ट या सागरमाला परियोजना। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में वायु परिवहन के संदर्भ में पढ़ेंगे। वायु परिवहन क्या है, तो आपके माइंड में ये बात आ जाती है कि वायु परिवहन जो आपकी हवाई सेवा है वो सबसे महंगी है। प्रश्न आता है सबसे महंगी है, दूसरी बात तीव्रगामी है, तीसरी बात महंगी और जल्दी खराब होने वाले वस्तु इनके परिवहन में ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। दूसरी कि ये जो परियोजना है, सॉरी ये जो परिवहन है, ये परिवहन आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रुतगामी परिवहन तो है ही है, साथ ही साथ आर्थिक आधार पे जो मजबूत देश है या मजबूत क्षेत्र है वहां पे ये परिवहन सुविधा है वो ज्यादा मात्रा में विकसित होती है। इसके साथ जो यह परिवहन सुविधा है ये पहले केवल यातायात के लिए था, वर्तमान में देखें तो आपकी जितनी भी आपदा है, बाढ़ है, जो आपके भूकंप है, ये जितनी भी आपदाएं हैं उन आपदाओं में ये परिवहन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ वायु परिवहन है या वायु जो परिवहन का सेक्टर है वो सामरिक या युद्ध की स्थिति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विश्व के अंदर हम भारत की बात करें कि भारत में इस वायु परिवहन की अनुकूलता क्यों है, भारत किस प्रकार से वायु परिवहन के लिए अनुकूलतम राष्ट्र है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भारत है
उसकी स्थिति, एक तो भारत की स्थिति, भारत की स्थिति इस प्रकार की है कि विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जाने के लिए ये मध्यस्थ क्षेत्र है। इस कारण भी वायु परिवहन है वो विकसित है। दूसरा, भारत का विस्तार विशालतम रूप यह भी भारत के विभिन्न उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यह भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए तीनोगामी परिवहन के लिए वायु परिवहन की उपयोगिता सिद्ध करता है, वायु परिवहन की उपयोगिता सिद्ध करता है। साथ ही साथ व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी भारत में ये परिवहन है वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त इस परिवहन के लिए जो यान बढ़ते हैं उसके लिए एल्यूमिनियम जो है वो भारत में है, इस कारण से भी ये जो परिवहन है भारत में विकसित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि भारत में ये जो परिवहन है उसकी स्थिति या उसकी उसकी उसके विकास का और कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण यह है विकसित है, तो यहाँ पे इसकी जो तकनीकी है, तकनीकी किस चीज की, वायुयान निर्माण की, साथ ही साथ तकनीकी किस चीज की, जो इसके एयरपोर्ट जो बनते हैं उसके लिए जो तकनीकी है, एयरपोर्ट जो इसके एयरपोर्ट बनते हैं उसके लिए तकनीकी है, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट बनते हैं उन एयरपोर्ट के लिए एक विशाल और कठोर भूमि की आवश्यकता होती है, समतल कठोर, ये समतल विशाल कठोर भूमि भी हमें इसके लिए मिल जाती है। यह भी भारत में आपके वायु परिवहन के विकास का प्रमुख कारण है। अब आपके माइंड में प्रश्न आया होगा कि जो वायु परिवहन की स्थिति भारत में विकसित स्थिति है और लोग भी जो आर्थिक नजरिए से देख लो, व्यापारिक नजरिए से देख लो, इसको उपयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग हैं वायु परिवहन का उपयोग भी करते हैं, और ज़्यादा प्रयोग कौन से प्रदेशों में होगा, आपके जो पहाड़ी प्रदेश है, दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ वायु परिवहन का सर्वाधिक प्रयोग होता है, आपके उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागों में सर्वाधिक इसी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त देखिए कि भारत में शुरुआत कब हुई वायु परिवहन की और किस प्रकार से भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ और वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो वायु परिवहन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, तो देखते हैं। भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में आपके इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, ये इलाहाबाद से नैनी कितनी किलोमीटर की दूरी है, केवल 10 किलोमीटर की, और ये शुरुआत जब हुई तब उसका उद्देश्य क्या था, डाक सेवा। क्या उद्देश्य था, डाक सेवा। कब, 1911 में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत हुई भारत में। इसके बाद 1947 में चार जो कंपनियां हैं वो भारत में आई, उसमें है इंडियन एयर, इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, इंडियन इंडियन नेशनल एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया।
ये चार कंपनियां आपके 1947 में भारत में आई, इसके बाद चार और कंपनियां 1951 में भारत में आई। 1951 में कितनी कंपनियां? चार और कंपनियां, भारत एयरवेज। कंपनियों के नाम एक बार थोड़ा सा याद करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। भारत में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ? भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, कलिंगा, कलिंगा एयरवेज और एयरवेज इंडिया, एयरवेज इंडिया। ये आठ कंपनियां आपकी 1951 तक वायु परिवहन सेवाओं को प्रदान कर रही थी। इसके बाद 1953 में, 1953 में, 1953 में, 1953 में आपके वायु परिवहन का क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण। क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि देश जो है किसी भी सेक्टर को अपने अधीन, यानी आपके केंद्रीय जो है उसके अधीन, जैसे आपके नेशनल वाटरवेज है हमने पढ़े थे, और वहां आपके जल प्राधिकरण था, जल परिवहन प्राधिकरण था, उसके माध्यम से वो राष्ट्रीयकरण हो गया। जिसे रेलवे है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो वैसे ही आपके 1986 में राष्ट्रीयकरण हुआ था जलवायु का, तो सारा काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऐसे 1995 में आपके सड़क का राष्ट्रीयकरण हो गया था, तो आपके नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपके जो रोड का कार्य, रख रखाव निर्माण का कार्य करती है, फिर आपके एनएसडीपी के माध्यम से काम होने लगा। वैसे ही 1953 में आपके वायु परिवहन का क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया, और वायु परिवहन को दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त कर दिया। एक थी इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, और दूसरी थी एयर इंडिया। जो इंडियन एयरलाइंस थी ये देश के आंतरिक यानी घरेलू उड़ानों के लिए, और ये जो एयर इंडिया थी ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। ये एयर इंडिया थी वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कार्य कर रही थी। अब हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया जो आपके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो किसके माध्यम से? एयर इंडिया के माध्यम से। और इंडियन एयरलाइंस जो है वो घरेलू उड़ानों के लिए जानी जाती है। इस इंडियन एयरलाइंस का 8 दिसंबर 2005 को नाम बदल दिया गया, 8 दिसंबर 2005 को नाम बदल दिया गया। देखना कि जो इंडियन जो एयरलाइंस की जो फ्लाइट होती है उस फ्लाइट में पहले इंडियन एयरलाइंस लिखा होता था, आजकल केवल उसमें क्या लिखा आता है? इंडियन लिखा हुआ आता है। क्या आता है? इंडियन लिखा हुआ आता है। तो 8 दिसंबर 2005 को इस फ्लाइट, इस घरेलू सेवा का नाम क्या कर दिया? इंडियन कर दिया, एयरलाइंस इसमें हटा दिया। इसके बाद आपके विकास का ये क्रम जो है, हमने पढ़ा कि 1947 में चार कंपनियां, फिर 1951 में फिर चार कंपनियां, फिर 53 में आपके राष्ट्रीयकरण हो गया और कितनी कंपनियां? दो बन गई, एक तो इंडियन एयरलाइंस और एक आपके एयर इंडिया। अब जो दो कंपनियां बनी हैं, एक तो एयर इंडिया, राष्ट्रीयकरण हुआ, एक है इंडियन एयरलाइंस। दो कंपनियां बनी, ये घरेलू के लिए और ये
आपके अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए। तो सबसे पहले एयर इंडिया के बारे में देखते हैं। एयर इंडिया जो है इसकी स्थापना की बात करें तो आपके JRD टाटा है, ১৯৩২ में JRD टाटा ने इस कंपनी की स्थापना की थी और टाटा एयरवेज लिमिटेड इस नाम से की टाटा एयरवेज लिमिटेड के नाम से की। और ये जो कंपनी है टाटा एयरवेज लिमिटेड है वो 96 में किसके रूप में आ गई, आपके एयर इंडिया के रूप में आ गई 29 जुलाई 1946 में किसके रूप में आ गई, एयर इंडिया के रूप में आ गई। और फिर इसका 1953 में मार्च 1953 में क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली थी। और ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण होते ही यह पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय जो आपके उड़ाने हैं उसके लिए काम कर रही थी और अभी भी क्या है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उनके लिए काम कर रही है। दूसरी बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस की। यह है इंडियन एयरलाइंस है, ये एयर निगम लिमिटेड द्वारा एयर निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई और 1953 में इसका भी क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। और हमने पढ़ा भी अभी कि इसका नाम है वो बदल के 2005 में इंडियन एयरलाइंस की जगह क्या कर दिया, इंडियन कर दिया। अब दोनों ही कंपनियां हैं उनको 24 अगस्त 2007 में, एक तो आपकी इंडियन एयरलाइंस और एक आपकी एयर इंडिया, ये दोनों ही कंपनियां हैं उनका 24 अगस्त 2007 को नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्या हो गया, विलय हो गया। किसका, एक तो आपके एयर इंडिया का और किसका हो गया, आपके इंडियन एयरलाइंस का, दोनों का क्या हो गया, विलय हो गया। इस इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है, वो ये दिल्ली में है। अब ये दोनों कंपनियां क्या हो गई, एक दूसरे में मिल गई, यानी दोनों कंपनियां क्या हो गई, इनका विलय हो गया। और जो सुप्रीम कंपनी कौन सी बन गई, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हालांकि दो कंपनियां हैं, ये किसके अधीन काम कर रही है, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया आज भी वही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काम कर रही है, इंडियन आज भी वही राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों के लिए काम कर रही है। और किस कंपनी के अंडर में है, ये आपके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर ही क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये तो है इनका इतिहास, ये घरेलू और ये इनके आपके कौन सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित कर रही है। इसके बाद देखिए 1981 में आपके एक वायुदूत नाम से घरेलू सेवा थी, घरेलू विमान सेवा। इस घरेलू विमान सेवा का आपका इंडियन एयरलाइंस का नाम क्या था, भारतीय विमान निगम। इस भारतीय विमान निगम ने इसका क्या हो गया, विलय हो गया। किसका, आपके वायुदूत का।
वायु दूत था ये किसके लिए था? घरेलू विमान सेवाओं के लिए था। और घरेलू का मतलब है देश के आंतरिक भाग में, और देश के आंतरिक भाग में विमान सेवाओं का जो जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? आपके इंडियन एयरलाइंस, जिसका नाम इंडियन हो गया। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय वायु पतन प्राधिकरण, भारतीय वायु पतन प्राधिकरण एयरपोर्ट एयरवेज ऑफ इंडिया, ये जो भारतीय पतन प्राधिकरण है इसके माध्यम से हम देखें तो भारत में वायु क्षेत्र में सुरक्षित वायु परिवहन सेवाओं के लिए, सक्षम वायु परिवहन सेवाओं के लिए ये संस्था क्या है, काम कर रही है। और इस संस्था के लिए हम बात करें तो ये संस्था लगभग 126 जो पतन है उनका रख रखाव कर रही है, और जिसमें आपके 23 तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय पतन है, 23 तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय पतन है, 86 घरेलू व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके घरेलू व सामरिक दृष्टि से है, और 29 जो मुख्य नागरिक पतन है, नागरिक उड्डयन से जुड़े हुए जो पतन है वो कौन से हैं, आपके 29 पतन है। इस प्रकार 26 पतनों का यह क्या कर रही है, संचालन कर रही है कौन सी, भारतीय वायु पतन प्राधिकरण। इसके अतिरिक्त आपके एक संस्था और है भारतीय विमानन पतन, भारतीय विमान, भारतीय विमानन प्राधिकरण, इधर लिख देता हूँ मैं, भारतीय विमानन प्राधिकरण, कौन सी, भारतीय विमानन प्राधिकरण, ये जो संस्था है भारतीय विमानन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई, ये भारतीय विमानन प्राधिकरण क्या करता है, ये भारतीय विमानन प्राधिकरण करता क्या है, ये करता है आपके जो भी पतन है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो घरेलू हो, उन पतनों के निर्माण, उन पतनों के रखरखाव काम, यानी जितने भी एयरपोर्ट बनते हैं उनके निर्माण, उनके रखरखाव और उनसे जुड़े जो टर्मिनल वगैरह जो भी बनाता है XYZ, वो सारा काम कौन करता है, भारतीय विमानन प्राधिकरण, भारतीय विमानन प्राधिकरण उनके रखरखाव काम करता है। ये तो आपकी है प्रमुख संस्थाएं जो भारत में वायु परिवहन के लिए संचालित है। इसके अतिरिक्त एक और है पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, ये इम्पोर्टेंट भी है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा क्या है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो आपके 1985 में निर्मित हुई, ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो क्या करती है, दुर्गम पहाड़ी प्रदेश है वहां पे आपके ये सेवा प्रदान करती है, साथ साथ ही जो सामरिक दृष्टि से या जो सैन्य प्रदेश है वहां तक भी सुविधा पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त ये जितने भी आपदाएं हैं उन आपदाओं में भी अपनी सहायता उपलब्ध करवाती है। इसके अतिरिक्त इसका जो मेन कार्य है वो है पेट्रोलियम या जो आपके खनिज है, खनिज पदार्थों की खोज के लिए या सर्वेक्षण के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इसका पवन हंस का, वैसे पवन हंस जो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी है, सेना के लिए भी है, पवन हंस आपके आपदा वाले क्षेत्रों में भी राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी है, बचाव दल के लिए भी है, साथ साथ पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों की खोज और सर्वेक्षण के लिए किसका, आपके पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग होता है।
तो विद्यार्थियों आज हमने जो वायु परिवहन जो सेवा है उसके अंतर्गत वायु परिवहन के ऐतिहासिक परिदृश्य को पढ़ा। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक में आपके जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जो स्रोत है यानी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है उनको मानचित्र लोकेशन के आधार पर अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।